आंखों का चश्मा उतरकर आंखों की रोशनी पूरी तरह से बढ़कर वापस लौट आएगी। केवल आपको सुबह उठते ही एक चीज का सेवन करना होगा, वह चीज कौन सी है? चलिए जानते हैं आज की कहानी के माध्यम से। एक बार एक युवक जो अपनी आंखों को लेकर बहुत परेशान रहता था, वह एक गुरु के पास जाता है जो कि आयुर्वेद के एक बहुत बड़े ज्ञाता थे। वह युवक गुरु को प्रणाम करता है और कहता है, हे मुनिवर, मैं अपनी आंखों को लेकर बहुत परेशान हूं। मेरी आंखों की रोशनी दिन भर कम होते जा रही है, मुझे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है। कहीं बार तो मेरी आंखों में बहुत ज्यादा दर्द और जलन होता है और बहुत ज्यादा आंसू भी निकलते हैं। गुरुदेव, मेरी आंखें समय से पहले ही मेरा साथ छोड़ रही हैं। कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा समाधान बताइए जिससे मैं अपनी आंखों की रोशनी को फिर से प्राप्त कर सकूं और आंखों की इन सभी समस्याओं से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकूं। उन गुरु ने उस युवक की सभी समस्याओं को ध्यान से सुना और फिर कहा कि बेटा, हमारे आयुर्वेद में आंखों से संबंधित एक पूरा उपनिषद लिखा गया है जिसे चक्षु उपनिषद कहा जाता है। इसके अलावा हमारे महर्षि वाग्भट ने आंखों के इलाज से संबंधित कई उपाय बताए हैं, कई नियम बताए हैं, जिसमें कुछ प्रमुख नियमों के बारे में आज मैं तुम्हें बताता हूं। और इसके साथ ही आज मैं तुम्हें एक ऐसे चूर्ण के बारे में बताऊंगा जिसका 15 दिन उपयोग करने से ही आपकी आंखों की ज्योति जो है वह वापस लौट आएगी। और साथ में ही इन नियमों का पालन करने से सिर्फ कुछ ही हफ्तों में आपके आंखों की रोशनी में एक आश्चर्यचकित परिवर्तन होगा। आप खुद देखेंगे कि आपकी आंखों की रोशनी वापस लौट आएगी और आपको पहले से अधिक स्पष्ट दिखाई देगा। और अगर तुम लंबे समय तक इस चूर्ण का उपयोग करते हो और इन नियमों का पालन करते हो तो तुम्हारी आंखों की सभी समस्याएं, सभी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी और तुम्हारी आंखें हमेशा के लिए स्वस्थ और दृष्टिकोण बनी रहेगी। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, सबसे पहले इन नियमों के बारे में जानते हैं, इसके बाद मैं तुम्हें उस चूर्ण के बारे में, उस चूर्ण की विधि के बारे में बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि तुम्हें उसे किस तरह से प्रयोग करना है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अब तुम्हें नियमों को ध्यान से सुनो। आंखों के उपचार के लिए आयुर्वेद का पहला नियम है, सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए अपने मुंह की लार को आंखों पर लगाना है। तुम जैसे ही सुबह बिस्तर से उठते हो तो बिस्तर पर बैठे हुए ही अपने मुंह की लार को अपनी उंगली में लो और उसे अपनी आंखों की कोर में काजल की तरह लगाओ। यह बहुत ही रामबाण इलाज है। आंखों की सभी समस्याओं का असल में हमारी लार में वह सभी तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी में होते हैं, और जब हम मुंह की लार को आंखों में लगाते हैं तो वह सभी पोषक तत्व हमारी आंखों को मिलने लगते हैं जो इसे स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। आंखों को हमेशा स्वस्थ बनाए रखने के लिए आयुर्वेद का दूसरा नियम है, मुंह में पानी भरकर आंखों में धीरे धीरे छींटे मारना। तुम जब रोज सुबह अपनी आंखों को धोते हो तो उसे ऐसे ही मत धो, बल्कि उससे पहले अपने मुंह में पानी भरो, फिर अपनी आंखों पर कम से कम 20 छींटे मारो। छींटे इतनी तेजी से ना मारो कि आपकी आंखों में दर्द होने लगे, वह लाल हो जाए। हमें बस इतनी तेजी से छींटे मारने हैं ताकि पानी आपकी आंखों के अंदर चला जाए। जब आप आंखों में छींटे मारते हैं तो अंदर की छोटी से छोटी गंदगी भी पानी के साथ भरकर निकल जाती है और आंखें साफ हो जाती हैं। और मुंह में पानी भरने का कारण यह है कि जब हम आंखों में छींटे मारते हैं तो आंखों का कचरा जो है वह मुंह के रास्ते से ना जाकर सीधे आंखों से ही पानी के साथ बाहर निकल आए, क्योंकि आंखों की कहीं बीमारियां सिर्फ आंखों में धूल मिट्टी जाने के कारण या कचरा जाने के कारण पैदा होती है। और जब यह सब कचरा साफ होगा तो हमारी आंखें भी स्वस्थ होंगी। फिर गुरु उस युवक को तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, सूर्य देव को देखना है। हर दिन लगभग 5 मिनट के लिए सूर्य देव को देखना है, लेकिन दोपहर में या तेज धूप में नहीं, सिर्फ उगने से 1 घंटे के अंदर अंदर या फिर सूर्यास्त होने के 1 घंटे पहले। सबसे ज्यादा अच्छा तो यह होगा कि तुम सूर्य देव के उगने या अस्त होने के समय उनके दर्शन करो, और जब जरूरत महसूस हो तो पलके झपका भी सकते हो। शुरू में इसे 1 मिनट के साथ शुरू करो और धीरे धीरे इसे 5 मिनट तक लेकर जाओ। सूर्य दर्शन के समय सूर्य की किरणें हमारी आंखों में अवशोषित होती हैं और हमारी आंखों को ठीक करती हैं। अंत में अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर उसे अपनी आंखों के ऊपर रख लो,
लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि आपको अपनी आंखों के ऊपर रखना है, उन्हें दबाना नहीं है। ऐसा करने से आंखों को आराम मिलता है। चक्षु अपने शक में सूर्य देव को आंखों का वेद कहा गया है। फिर गुरु उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि आंखों का व्यायाम करो, आप इसे किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन सुबह और सोने के पहले करने से यह ज्यादा फायदा देता है। इसके लिए सबसे पहले तो अपनी आंखों को 10 बार ऊपर नीचे करो, 10 बार ऊपर करो और 10 बार नीचे करो। जितना हो सके उतना ऊपर करो और जितना हो सके उतना ही नीचे लो। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आंखों के साथ सर नहीं घूमना चाहिए, सर स्थिर होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपकी आंखें घूमने चाहिए। आंखों को ऊपर नीचे करने के बाद आंखों को 10 बार बाईं ओर और 10 बार दाईं ओर लेकर जाओ। इसके बाद 10 बार आंखों को ऊपर कोने की ओर और 10 बार आंखों को निचले कोने की ओर लेकर जाओ। इसके बाद आंखों को गोल गोल घुमाते हुए एक वृत्ताकार आकृति बनाने का प्रयास करो। आंखों को 10 बार दाहिनी ओर गोल गोल घुमाएं और 10 बार बाईं ओर गोल गोल घुमाएं। फिर सबसे जरूरी व्यायाम, अपने हाथ के अंगूठे को अपनी दोनों आंखों के बीच में रखो और अपने नाखून के हिस्से को देखो और बिना ध्यान हटाए धीरे धीरे अपने अंगूठे को दूर लेकर जाओ। इस दौरान आपका पूरा ध्यान अंगूठे के नाखून पर होना चाहिए। जैसे ही अंगूठा दूर जाए तो सारा ध्यान अंगूठे से हटाकर उसके पीछे वाली चीज पर लगाओ। फिर वापस अंगूठे के नाखून पर ध्यान केंद्रित करो और फिर उसे धीरे धीरे अपने नाक के पास लो। इस प्रक्रिया को तुम्हें 10 बार दोहराना है और फिर इसके बाद अपने दोनों हथेलियों को रगड़कर अपनी दोनों आंखों को ढक लेना है और आंखों को आराम देना है। दरअसल हमारी आंखों के आसपास बहुत सारी मांसपेशियां होती हैं जो हमारी आंखों को चलाती है, उन्हें नियंत्रित करती है। बिना व्यायाम के यह मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती है, लेकिन इस व्यायाम को करने से तुम्हारी आंखों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और वह अपनी कोई भी ताकत दोबारा हासिल कर सकती है। फिर गुरु अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि शरीर को साफ रखो, क्योंकि शरीर साफ तो बीमारियां। साफ आयुर्वेद के नियम के अनुसार यदि हमारा शरीर भीतर से साफ है तो हमें कोई बीमारी नहीं हो सकती है। अगर हमारी आंतें साफ है और उनमें कोई भी पुराना भोजन जमा नहीं हुआ है तो हमारा पेट सुबह एक बार में ही साफ हो जाता, हमें कब्ज की समस्या कभी नहीं होती है, तो हमारा हर एक अंग स्वस्थ रहेगा और हमारी आंखें भी स्वस्थ रहेंगी। अपने शरीर को अंदर से स्वस्थ रखने के लिए तुम्हें रोज 16 घंटे का उपवास या फिर एक दिन 24 घंटे का उपवास करना चाहिए। फिर गुरु उसे आगे बताते हुए कहते हैं कि बेटा, अपनी आंखों को त्रिफला के जल से धो लो। त्रिफला एक बहुत ही प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि है। महान आर्षि वाग्भट्ट ने त्रिफला को इंसानी शरीर के लिए अमृत तुल्य बताया है। त्रिफला जैसे ही उसका नाम है, यह तीन फलों से मिलकर बना है। पहला है आंवला, दूसरा है भेड़ा और तीसरा है हरड़ को बनाते समय इन तीनों की मात्रा का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। त्रिफला बनाने के लिए आंवला, भेड़ा और हरड़ का अनुपात 1:2:3 होना चाहिए, यानी आंवला 3 गुना, भेड़ा 2 गुना और हरड़ 1 गुना होनी चाहिए। इन तीनों को सूखा कर इनके बीज निकालकर इसे अच्छे से पीस कर मिला लीजिए। इस तरह से त्रिफला का चूर्ण तैयार हो जाता है। फिर इसे किसी मिट्टी के बर्तन में रख दीजिए और 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को 2 ग्लास पानी में रात में भिगो कर रख दें और सुबह उसे छान कर अपनी आंखों को उससे धो लीजिए। ऐसा करने से बहुत ही तेजी से आंखों की सभी समस्याओं में आराम मिलता है और आंखों की रोशनी बहुत ही तेजी से बढ़ती है। त्रिफला सिर्फ आपकी आंखों के लिए नहीं बल्कि हमारे शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि यह वात, पित्त और कफ तीनों दोषियों को नियंत्रित करता है। शरीर को साफ करने के लिए त्रिफला को 2 तरीके से लिया जा सकता है, 1 रात को और दूसरा सुबह। अगर आप त्रिफला सुबह लेते हैं तो गुड़ या शहद के साथ लो, और यदि आप त्रिफला को रात में लेते हैं तो दूध के साथ या फिर गर्म पानी के साथ इसे ले सकते हैं। रात में दूध या गर्म पानी के साथ जो त्रिफला खाया जाता है वह हमारे शरीर को साफ करने का काम करता है, गंदगी बाहर निकालता है, और सुबह जो गुड़ या शहद के साथ त्रिफला खाया जाता है यह पोषक तत्व का काम करता है, यानी कि पोषक तत्व प्रदान करता है। इसीलिए जो व्यक्ति स्वस्थ है, जिन्हें कब्ज या पेट से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत नहीं है, वह त्रिफला को दिन में खाए, और जिन्हें पेट की सफाई करनी है
कब्ज की समस्या रहती है, वह इसका सेवन रात को करें। फिर गुरु उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, यह नियम बहुत ही लाभकारी है, इससे तुम्हारी आंखें और मन दोनों ही तेज बनते हैं। इसके लिए तुम्हें एक अंधेरे कमरे में दीपक या मोमबत्ती जला लेना है, फिर उसे इतनी ऊंचाई पर रखना है कि जब तुम बैठो तो वह तुम्हारी आंखों के ठीक सामने होना, ज्यादा ऊपर होना चाहिए और ना ही ज्यादा नीचे होना चाहिए। इसके बाद आपको अपनी पीठ को सीधा करके आरामदायक स्थिति में बैठ जाना है और अपनी दृष्टिकोण उस दीपक या मोमबत्ती की ज्वाला पर यानी ज्योति पर केंद्रित करना है और लगातार उस ज्योति को देखना है। इस बीच यदि तुम पलक झपकाना चाहते हो तो आप झपका सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि जितनी देर तुम बिना पलक झपकाए रह सकते हो तो बिना पलक झपकाए रहो। थोड़ी देर में तुम देखोगे कि तुम्हारी आंखों से आंसू बहने लगेंगे, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह क्रिया हमारे आंसुओं के द्वारा हमारी आंखों की सफाई कर रही है। इस प्रक्रिया के बीच आप आंखों के आंसू को रोकने का प्रयास ना करें, बस इन्हें बहने दें। इस दौरान अपने हाथों से अपनी आंखों को भी स्पर्श नहीं करना है। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाए तब अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर धीरे धीरे अपनी आंखों के पास लेकर जाओ और आंखों को ढक लो। यह प्रक्रिया रोज रात को सोने से पहले कुछ मिनट के लिए करो, फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारी आंखों की रोशनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस प्रक्रिया को करने से आपकी आंखों की रोशनी के साथ साथ आपकी एकाग्रता भी बढ़ती है। फिर गुरु उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि किसी भी ठंडी सब्जी जैसे खीरा, लौकी और आलू के छोटे छोटे टुकड़ों को कुछ मिनट तक अपनी आंखों के ऊपर रखो। जब हम खीरे या लौकी को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर आंखों के ऊपर रखते हैं तो हमारी आंखों के आसपास का जो क्षेत्र है वह ठंडा हो जाता है और बाकी का क्षेत्र गर्म रहता है, जिससे आंख और सर के बीच का जो तापमान है उसमें अंतर आ जाता है और ज्यादा से ज्यादा रक्त आंखों की तरफ आने का प्रयास करता है। फिर जिस जगह पर रक्त का प्रवाह ज्यादा होता है उस जगह का इलाज खुद मखुद शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया को आपको हर दिन 10 से 12 मिनट तक जरूर करना है। इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी और आप ताजगी महसूस करेंगे। फिर गुरु उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, तुम्हें रोज ऐसा काम करना है जिसमें ज्यादा रक्त का प्रवाह हो, जैसे शीर्षासन, भस्त्र का आसन। ऐसे आसनों को करने से रक्त की ज्यादा मात्रा आंखों की तरफ जाती है और आंखें स्वस्थ बनी रहती है। फिर गुरु उस युवक को कहते हैं कि बेटा, तुमने नियमों के बारे में तो जान लिया, अब मैं तुम्हें उस चूर्ण के बारे में बताता हूं जिसका उपयोग तुम्हें करना है, और उसका उपयोग करने से कभी भी तुम्हारे आंखों की ज्योति खराब नहीं होगी, और अगर जिनको चश्मा लग चुका M4 उनका चश्मा भी कुछ हफ्तों में उतर जाएगा। इस चूर्ण को बनाने के लिए आपको चार चीजों का प्रयोग करना है, जिसमें पहली चीज है सौंफ, दूसरी चीज है बादाम, तीसरी चीज है धागे वाली मिश्री और चौथी चीज है काली मिर्च। हमें सबसे पहले तवे पर सौंफ को थोड़ा सेक लेना है। सौंफ को नेत्र ज्योति के रूप में अव्वल माना जाता है। इसकी तासीर ठंडी होती है, इसके साथ ही यह खाने को पचाने में बहुत ज्यादा मदद करती है। सौंफ हमारे शरीर के मोटापे को भी कम करती है। सौंफ में पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, लोहा, कॉपर जैसे मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं। आपको सौंफ को तब तक सेकना है जब तक उसमें खुशबू ना आ जाए। जब खुशबू आने लगे तब आप उसे नीचे उतार लीजिए। फिर आपको बादाम को हल्का हल्का सेकना है। बादाम में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है, जो हमारे दिमाग को तंदुरुस्त रखता है। इसमें प्रोटीन एवं फाइबर काफी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा पेट भरा भरा रहता है और यह हमारे मोटापे को भी कम करती है। इसके बाद आपको बादाम और सौंफ को अच्छी तरीके से पीस लेना है, इसका बारीकी टोन बना लेना है, और इसके बाद आपको धागे वाली मिश्री में से धागा निकाल देना है और उसे कूट कर उसका बारीक टोन बना लेना है। फिर आपको 10 से 15 काली मिर्च लेनी है। काली मिर्च में एंटी इंफ्लामेटरी तत्व पाए जाते हैं, जो आंखों के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। इसके साथ ही काली मिर्च जीवाणु रोगक और इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक होती है, जिसे आंखों की रोशनी मजबूत बनती है। काली मिर्च में विटामिन ए और विटामिन ई पाए जाते हैं, जो आंखों के लिए
बहुत लाभदायक हैं। काली मिर्च को भी आपको अच्छी तरीके से कूट लेना है, उसका भी बारीक चूना बना लेना है। फिर आपको इन चारों चीजों को एक साथ मिक्स कर लेना है। फिर आपको इस चूर्ण को एक चम्मच गुनगुने पानी में या फिर एक ग्लास दूध में सुबह सुबह खाली पेट लेना है। इसको लेने से आपकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ रहेगी और साथ ही साथ आपका पेट भी बिल्कुल साफ होगा। आप अच्छी तरह से फ्रेश हो पाएंगे, इससे आपको अच्छी नींद आएगी और आपकी आंखों की रोशनी और दिमाग तेज होगा। और ये चारों चीजें जो हैं वह आपको अपने घर में ही उपलब्ध हो जाएंगी। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, आज के समय में आंखों को स्वस्थ रखने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वह है अपनी स्क्रीन टाइम को कम करना। आजकल लोग सुबह उठते ही सबसे पहले अपने फोन के मैसेज को देखते हैं और फिर पूरे दिन यहां तक के देर रात तक मोबाइल या लैपटॉप को यूज करते हैं। और इन लैपटॉप फोन टीवी से निकलने वाली लाइट हमारी आंखों के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। इसीलिए आप एक ऐसा रूटीन बनाएं जिसमें आप रात में 8 या 9 बजे के बाद किसी भी तरह की स्क्रीन को नहीं देखेंगे। ऐसा करने से आपकी आंखों को तो आराम मिलेगा ही, साथ ही साथ आपकी नींद जो है वह गहरी हो पाएगी और अगले दिन आपका रोना महसूस करेंगे। और अगर आपका काम देर रात तक लैपटॉप पर है तो आप हर कुछ देर में ब्रेक लो, आंखों को बंद करो और उन्हें आराम दो। इसके अलावा आप अपने खाने में विटामिन ए और विटामिन सी को शामिल करो, जैसे गाजर, संतरा, चक्र इत्यादि। यह सब आपकी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, क्या कोई एक ऐसी औषधि हो सकती है जिस औषधि को लेने पर जीवन में कभी कोई रोग ना हो और वो हमारे पूरे शरीर पर कार्य कर जाए? तो आपको बता दें कि ऐसी औषधि नहीं हो सकती कि जो वो एक औषधि मात्र लेने से हर बीमारी पर वो कार्य करे, हर बीमारी को ठीक करे, हर बीमारी से बचाए। ऐसी औषधि नहीं हो सकती। पर दोस्तों, एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा उपाय है जिससे हम जीवन भर हर बीमारी से दूर रह सकते हैं, बच सकते हैं। निश्चित रूप से ऐसा तरीका है आपको जो हर एक समस्या, हर एक बीमारी से बचा सकता है। एक बार एक आदमी जो हमेशा बहुत बीमार रहता था, वो एक आयुर्वेद के बहुत बड़े गुरु के पास जाता है और गुरुदेव से पूछता है कि हे गुरुवर, या कोई ऐसा औषधि है तो मुझे बताइए जो कि एक ही औषधि से सारे रोगों को खत्म कर दे। यदि ऐसा कोई औषधि है तो मुझे बताइए, मैं अपनी इन शारीरिक समस्याओं से, रोगों से, बीमारियों से बहुत ज्यादा परेशान हूं। तब वह संत बोले, अगर तुमने यह पूछा होता कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिन्हें करने से सारे रोग खत्म हो जाए तो मैं कहता हां, ऐसा उपाय है। पर एक ही औषधि जो अनेक रोगों में, बीमारियों में काम करे, ऐसी कोई औषधि बनी ही नहीं है, पर एक ऐसा उपाय है। तब वह व्यक्ति बोला, ठीक है महात्मा जी, आप वह उपाय के बारे में हमें बताने का कष्ट करें। तब वह गुरुवर बोले, आज मैं तुमको यह बताऊंगा कि हम कैसे अपने पूरे स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं और शरीर की कोई सी भी, कितनी भी भयानक बीमारी से बच सकते हैं। तो यह तरीका है अपने शरीर की प्रकृति को समझना, अपने शरीर की प्रकृति को हमेशा संतुलित रखना। इससे आपकी आयु भी बढ़ेगी, सौंदर्य भी बढ़ेगा, हर प्रकार से आपको इससे लाभ मिलने वाला है। तो करना क्या है? वात, वित्त, कफ, ये एक सिद्धांत को अच्छे से समझना है। फिर गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, तो पहले स्थान पर तुम ये समझो हमारे शरीर की प्रकृति कैसी है, कि वात प्रकृति के लक्षण क्या होते हैं। असंतुलित है तो कैसे संतुलित किया जा सकता है? फिर वह महात्मा बोले, सबसे पहले तुम समझो कि वात प्रकृति की स्थिति में आपके बालों पर, आपकी आंखों पर, आपकी त्वचा पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपके बाल रुखे होने शुरू हो जाते हैं और झड़ने शुरू हो जाते हैं। बाल आपके झड़ रहे हैं, आप तेल का प्रयोग कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के औषधियों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन लाभ नहीं हो रहा है, तो समझो कि वात आपका प्रकोपित हो रहा है। वात रोग में आपकी समस्या है, आंखों की रोशनी कम होने लगती है, त्वचा जो है आपकी वह रुखी होनी शुरू हो जाती है, सूखा होना शुरू हो जाता है और झुर्रियां पड़ना त्वचा और चेहरे पर, यह बात का प्रभाव होता है। तो ऐसा हो रहा है तो आप समझें कि यह वात का प्रभाव है, वात आपके शरीर में असंतुलित हो रही है। अगर आपको जोड़ों में दर्द होता है, कमर में अकारण ही दर्द हो जाता है, तो यह बात समझें कि वात के प्रभाव के कारण हो रहा है। और भूख इन लोगों को अच्छी लगती है, सामान्य लगती है, बहुत अधिक नहीं, बहुत कम नहीं,
लेकिन इन लोगों को गैस की समस्या, पेट जैसे फुला फुला अनुभव होना और डकारे आना, ऐसी परिस्थितियां इनको बनती है। इस प्रकार की स्थिति बनती है और साथ ही कॉन्स्टिपेशन की समस्या इनको रहती है, क्योंकि वात जो है वह सुखाती है, वह मल को भी सुखा देती है। बात का जो मुख्य स्थान होता है वह आपकी आते होती है और यह यहां पर मल को सुखा करके कॉन्स्टिपेशन की समस्या खड़ी करती है। तो अगर आपको बार बार कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, मल ठीक से निष्कासित नहीं होता, तो यह समझे कि वात का प्रभाव पड़ा हुआ है शरीर में। वह व्यक्ति बोला, गुरुदेव आपने ठीक कहा, यह कई प्रकार के लक्षण जो आपने यह लक्षण बताए, आधे से ज्यादा लक्षण तो लगते हैं कि मेरे में भी है। तभी गुरुबर कहते हैं, तो ठीक है, तो तुम यह समझो कि मन की स्थिति कैसी रहेगी। मन चंचलता वाला रहेगा, यह चंचल रहेगा, ठहरेगा नहीं, बार बार अलग अलग स्थानों पर जाएगा। वह ध्यान का अभ्यास करें और अपने काम में एकाग्र रहने की कोशिश करें, कोशिश करना मुश्किल होगा, ध्यान बहुत ज्यादा भटकेगा, यह वात का प्रभाव होता है। फिर वो महात्मा व्यक्ति से बोले, अब मैं तुमको यह बताता हूं कि अगर आपका वात प्रकोपित है तो किन चीजों का प्रयोग नहीं करना है। आपको मुख्य रूप से बासी भोजन और भारी भोजन का त्याग करना है। आप जब ज्यादा मात्रा में भोजन कर लेते हैं तो पेट पर दबाव बनता है, सड़ता है भोजन, और वहां से वात बननी शुरू हो जाती है, और पाचन शक्ति जो है वो भी मध्यम होती है, वो भी तेज नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि वो कुछ भी पचा लेगी। तो आपको भारी भोजन नहीं करना है, घनिष्ठ भोजन नहीं करना है, हल्का सा उपास्य और संतुलित मात्रा में उसको भोजन करना है। अब बात करते हैं कि वात को खत्म कैसे किया जा सकता है। इसमें आपको गाय का घी का प्रयोग करना है। गाय के देसी घी का आप प्रयोग करते हैं तो इससे आपका वात का प्रभाव कम होता है। और साथ ही साथ तिल का तेल प्रयोग करें। तिल का तेल आप भोजन में प्रयोग कर सकते हैं। तिल के तेल की आप शरीर में मालिश करते हैं तो वो भी उपयोगी होगा। और तिल के तेल को आप रात्रि में सोने से पहले एक चम्मच की मात्रा में लेते हैं तो वो कॉन्स्टिपेशन के लिए भी अच्छा है और आपके वात के प्रभाव को शांत करने के लिए भी अच्छा है। व्यायाम इसमें कितना करना है? बहुत ज्यादा व्यायाम नहीं करना होता, बस हल्का व्यायाम करते हैं तो वात की स्थिति में लाभ होता है। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर पित्त की लक्षण हो तो उसे कैसे संतुलन करते हैं, क्या करना है। तो पित्त की लक्षण में बाल सफेद होते हैं, वात की स्थिति में बाल झड़ते हैं। तो पित्त की स्थिति में बाल सफेद होते हैं, बाल अगर आपका सफेद हो रहे हैं तो समझे कि पित्त का प्रभाव आप में बढ़ा हुआ है। त्वचा पर किल मुहासे फोड़े, फूंसी का समस्या, विमल का समस्या इन लोगों में ज्यादा रहता है। साथ ही साथ जो ये भोजन करते हैं, और अगर मिर्च मसाले वाली सब्जी ज्यादा होगी तो इससे उसे अत्यधिक नुकसान होता है। तो मिर्च मसालों का त्याग करना है। फास्ट फूड, जंक फूड, बहुत ज्यादा तेल में तली हुई चीजें, इन लोगों को त्याग करना होता है। अगर अच्छा सुपाच्य भोजन करते हैं तो ही इनको लाभ होगा। अगर आपको एसिड बहुत बनता है, डकार बहुत आती है, खट्टी डकार आती है, तो ऐसा समझे कि आपका पित्त प्रकोपित है, पित्त की समस्या है, तो पाचन की शिकार हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा आहार। आहार में आपको ध्यान रखना होगा। आपको एसिडिक चीजों का प्रयोग कम करना है और एल्कलाइन चीजों का प्रयोग आपको ज्यादा करना है। अगर एसिडिक चीजें ज्यादा खाएंगे तो पहले से शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको एल्कलाइन चीजें जैसे सब्जियों का प्रयोग, हरा भरा साग का प्रयोग, फल फूलों का प्रयोग ज्यादा करना है। नारियल पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, पेटे का जूस पीते हैं, लौकी का जूस पीते हैं, ऐसी चीजें अगर आप लेते हैं तो अगर आपको पित्त की समस्या है तो आपको वो बहुत जल्दी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अगर शुगर है तो ठीक होना शुरू हो जाएगा। इस समस्या में एसिडिक डाइट को आपको छोड़ना है और एल्कलाइन डाइट को आपको बढ़ाना है। बहुत ज्यादा भूख नहीं लगेगी, लेकिन सामान्य से अच्छी भूख लगेगी। लेकिन ये समझे, आप जो है आप कफ प्रकृति के हैं। अगर कफ प्रकृति है तो जो आप खाएंगे उससे आपका वजन बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा। आप में ओबिसिटी की समस्या रहने वाली है, खांसी जुकाम की समस्या रहती है। ओबिसिटी के कारण होने वाली जो बीमारियां हैं जैसे कि डायबिटीज, डायबिटीज जैसे समस्या रहने की प्रधानता रहती है, कफ प्रकृति के व्यक्तियों में अधिक रहती है। इससे व्यक्ति अगर अपने आप को सक्रिय रखते हैं, अच्छे जीवन शैली रखते हैं, लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव लाते हैं तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर ये निष्क्रिय हो जाते हैं, मतलब कोई काम नहीं करते हैं, शारीरिक रूप से एक्टिव नहीं रहते हैं, तो ऐसी प्रकार की स्थितियां कफ प्रकृति में बनती हैं,
जो मानसिक स्थिति होती है। इन व्यक्तियों की वो शांत होती है, मिलनसार स्वभाव होता है, ये ठीक संतुलित मस्तिष्क के साथ होते हैं, लेकिन इसमें तमोगुण से ऊपर उठना जरूरी होता है और इसके लिए सक्रिय रहना जरूरी होता है, निश्चित होता है। इसमें घी का तेल का या फैट वाली चीजें का उपयोग करना, इन लोगों को ये सब चीजें ग्रहण नहीं करनी होती है क्योंकि इससे पहले से ज्यादा वजन बढ़ने लगता है। अगर फैट वाली चीजें लेंगे तो फैट ज्यादा बढ़ेगा और इसे नुकसान देखने को मिलेंगे। जो फैट है, जो मोटापा है, वो इसमें बढ़ता है। तो आपका जो मांस है ठीक करने के लिए, इसको इलायची, हल्दी, दालचीनी का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार की चीजों का प्रयोग करते हैं तो इसका संतुलन होता है। व्यायाम की बात करें तो कफ प्रकृति के व्यक्तियों को पूर्ण शक्ति व्यायाम करना चाहिए, अधिक व्यायाम करना चाहिए, ऐसा व्यायाम करना चाहिए जिससे कि उनके शरीर से पसीना निकले, जिससे कि लगे कि थकान हो, ऐसा व्यायाम उनके लिए उपयोगी रहेगा। साथ ही साथ इनके लिए उपवास बहुत अच्छा रहने वाला है। हफ्ते में एक दिन उपवास हो कफ प्रकृति के व्यक्तियों को करना ही चाहिए। आपकी मानसिक और शारीरिक लक्षण किस प्रकार से मेल खाते हैं? वात कफ हो सकती है, इस प्रकार से भी प्रकृतियां बन सकती है। आपको देखना है और उस प्रकृति को समझ करके उसके अनुसार आहार लेना है। आपको जो चीजें निश्चित बताई है उन चीजों को तैयार करना है। जो चीजें लेने को कहा है वह चीजें लेनी है, और इस प्रकार से आप करते हैं तो आप निश्चित रूप से बहुत सारे बीमारियों से बच सकते हैं। उसके बाद वो व्यक्ति को सारी बीमारियों की जड़ समझ में आई और अब वो उसको उन सभी बीमारियों का ठीक करने का उपाय मिल चुका था जो उनमें थी, और वह उन गुरुदेव को धन्यवाद कर अपने उस जीवन शैली को अपने जीवन में लागू करने का प्रण लिया और फिर वहां से गुरुदेव से आज्ञा लेकर चला गया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताइए, और अपने परिवार /swingledost या आपके करीब इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस जनान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तो ही इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।